बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूर पॉइंट चैनल देखने और सुनने वालों को मैं अपने चैनल नूर पॉइंट पर खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआगो हूँ आप सबको हमेशा खैर आफियत से रखे, आमीन सुम आमीन। चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की जानिब। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि सफ़र के महीने में शादी हो तो शादी कामयाब नहीं होती, अगर शादी कामयाब हो जाए तो औलाद नहीं होती, अगर औलाद भी हो जाए तो औलाद नेक नहीं होती। अजीब और तरह तरह की बातें हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ सफ़र के महीने में हुई है। क्या इससे ज़्यादा कामयाब कोई शादी हो सकती है? इससे अच्छा जोड़ा कोई और हो सकता है? फिर कहते हैं औलाद नहीं होती, हसन हुसैन जैनब पैदा हुए, ऐसी औलाद भी हो सकती है कोई? फिर कहते हैं कि औलाद नेक नहीं होती तो हुसैन जैसा नेक कौन होगा, हसन जैसा नमाजी कौन होगा और जैनब जैसी पर्देदार कौन होगी? ये लोगों की अपनी बनाई हुई बातें हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने कह दिया कोई मनहूस नहीं है, ना दिनों में मनहूस, ना सातों में मनहूस, ना अफराद में कोई मनहूस है, फरमाया कि उल्लू भी मनहूस नहीं, ये तुम्हारे अंदर की बुराइयां हैं जो मुजस्सम होकर तुम्हारे सामने आती हैं, इसलिए कोई भी मनहूस नहीं। इस गलत अकीदे को ख़त्म करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बिदत से बचाए, आमीन सुम आमीन या अरहमर राहिमीन। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपनी कीमती राय के इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें और मेरे चैनल नूर पॉइंट को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।